अच्छा, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने बिहार में बहुत विकास किया है। नीतीश कुमार को पूछिए कि नीतीश कुमार जी बूढ़ा जो पानी में खड़ा है, आप क्या विकास किए हैं, बताइए उसको, लिखिए बताइए जी, बोलिए उसको कि पानी में खड़ा है नीतीश कुमार जी, क्या विकास आप किए हैं, और 5 बरस से ही पानी है, 5 बरस से आपका सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार तो विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं, क्यों नहीं वोट मांगेंगे, बेईमान आदमी तो वैसे ही वोट मांगता है। अभी तक जबकि उसको सोचता नहीं है कि 5 बरस से ही पानी खड्डा बना हुआ है, रोड खड्डा है। हाँ। जब उसको नहीं सोचता है तो जनता को क्या सोचेगा, जनता तो मर रहा है। उसको 5 साल बना दिया है, 5 साल के बाद अब 6ठा साल वो कहेगा सलाह आया रे, हाँ तब ठीक है वोट देना, और क्या कहेगा, उसको क्या है, कुछ तो हस्ती है उसको, नीतीश कुमार को कोई हस्ती नहीं है, सब चोर वोट लेकर के यहाँ से चला जाता है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है, देश को लूट के खा गया है। और कुछ बोलना है बोलो। जब वोट मांगने के लिए आता है तो तब उससे नहीं उस समय कहते हैं, उस समय नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं। हाँ। लेकिन जब जीत गए के बाद तो उसका बपौती जिम्मेदारी हो जाता है। हाँ। उसका बाबूजी का जिम्मेदारी है। हाँ। इसलिए फिर घूर के नहीं आवेगा, कहे का 5 साल के बाद दूसरा हम बाबू जी कहेंगे। हाँ। अभी तो मान ले जाए जो बाबू जी बनाए हैं तो बाबू जी चला गया। अच्छा, आप ये बताइए कि विकास जरूरी है या मंदिर मस्जिद? विकास जरूरी है, मंदिर मस्जिद तो है, अब कौन सी मोदी जी को दीजिए मंदिर मस्जिद में, ज्यादा पुजारी है, काहे को उसको भगवाने वोट देता है, पहाड़ पर वोट देता है, उसको मंदिर में वोट मिलता है, लोग देता है उसको वोट, उसको कहीं पूछिए मोदी जी, कोई राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कोई राष्ट्र नहीं बनवेगा, जितना जनता है ना हिंदुस्तान में, एक बम में सबको मरवा देगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, तो अभी तक भगवान पर जिंदा है लेकिन जिंदा नहीं रहने देगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास भी हो रहा है और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। मोदी जी को कहो, पूछो कि मोदी जी ये पानी जो बूढ़ा खड़ा है वही विकास है तोहर, सुस्ता है तो खूब बढ़िया से देखो मोदी जी, हम मोदी को दिखा रहे हैं। और कुछ बोलो, क्या बोलना। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको किसके ऊपर भरोसा है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, आपको किसके ऊपर भरोसा है जिसको आप लाएंगे जिससे कि आपकी समस्या ये वाली खत्म हो जाए? समस्या देखिए, आप जो करने वाला था वो नहीं है, लुटने वाला अब सरकार बना है। अच्छा, आपके नजर में करने वाला कौन? करने वाला तो जो था कहाँ है, उसको तो रात दिन अंदर में रखा है, जेल में करके बंद रखा है, पिंजरा में। कौन है? ओ लालू यादव, समझे कि नहीं, और एक ठो और क्या भूल गए हैं नाम, वो सब का वो करने वाला है, ये तो बात बनाने वाला है नीतीश, बात बनाने वाला, पूछो क्या आज तक किया है नीतीश, तो ये गली गली जो अथी दे रहा है, स्कूल जो ये क्या साल का स्कूल है, 20 साल का स्कूल है, कहा पानी कहीं क्यों है, कहा पानी है, नीतीश जी कहा है कि हमर है, लेकिन कभी आज तक कोई देखने के लिए आया है, कोई नहीं देखने वाला है, और इस सबसे बढ़ के तो ये खद्धा, ये रोड जो है सो खद्धा है। अरे तो इसको पढ़लका बोली हम पे कह दिलिए, कत्या नीतीशो कह दिलिए, ओकरो कह दिलिए, ये कब से पानी जमा, पानी है 5 साल से इसी नाला में है, इसी यही रोड पर है 5 साल से, अभी देखिए पानी का पोजिशन क्या है, पानी एकदम पीला हो गया है, महकता है, लगता है इसमें जानवर कोई मर गया है, और कोई प्रशासन का नहीं अथी है, मैं पता है कि अभी कम से कम जा करके उसको देखे, जिसको कह दिए हैं लिख करके दिए हैं, वो भी आदमी भूल गया है, BDO साहब को हम लिख करके दिए हैं, CO साहब को लिख करके दिए हैं, ED साथी क्या कहता है, कलेक्टर साहब को लिख करके यही स्कूल में दिए हैं, कोई भी इसको देखने वाला नहीं है, और यहाँ आदमी को रोज बुखार लगता है, रोज छूटता है, कई तो लगता है कि सरकार है इस यहाँ बिहार में नहीं है, अच्छा है देशे में नहीं सरकार है, ये अब तक किसी को नजर इस पर नहीं गया है। और पूछिए क्या पूछना है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये जो चाचा है इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, ये अपने इलाके में हमें दिखा रहे हैं कि इनके इलाके में क्या विकास हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं विकास के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं पीछे एक स्कूल है, मध्य विद्यालय हाजीपुर है, खगड़िया है, यहाँ पे पूरा विद्यालय के पूरा प्रांगण के अंदर जो है पूरा पानी जमा हुआ है जी। आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे काफी ज्यादा पानी जमा हुआ है जैसा देख रहे हैं। यहाँ भर जाग भर ठहना भर डांट तक पानी यहाँ जमा होता है, लेकिन अभी 10 दिन से वर्षा जो नहीं हुआ है, इसलिए पानी अभी भर जाग तब उस पर भी अभी जाग भर डूबता है इसमें। अच्छा अच्छा, जबकि आप सोचिए कि कब से ही पानी शुरू हुआ है, तहिए से एक तो अबरी स्कूल तो बंद है, जो कि
खुराना लेकर के बंद किया है, लेकिन हर साल इसी तरह से बंद होता है। कम से कम आधा 6 महीना पढ़ाए तो 6 महीना घर में सुता है, यही होता है स्कूल में। अच्छा, कंप्लेंट लिख के दिए आप? हाँ, लिख करके यहीं पर कलेक्टर साहब अब किया था सबके पैखाना के जांच करने के लिए, तकनी ये लिखवा करके उनको हम कलेक्टर साहब को दिए हैं। अब कलेक्टर साहब को पूछिए कि वो चिट्ठी कहाँ का दिया है और अपने कहाँ चला गया है। अच्छा है। हाँ, उसको भी पूछिए, आज से ईद कलेक्टर नहीं आया, आज से इसका अच्छा, हाँ डीएम साहब को लिख करके दिया है स्कूल के बारे में, और उसको फरिया करके लिख कर दिए हैं कि इस जो ये रोड जो है, जिस रोड पर हम खड़ा थे, ई रोड जो है, इस ई रोड में आंगनबाड़ी है, ई रोड में भगवती थान है, ई रोड में स्कूल है, फिर भी ई रोड नाला बना रहता है। ऐसे करके हम लिख करके दिए हैं कलेक्टर साहब को। आप कलेक्टर साहब जो बदली होकर के चला गया, उसको बुलवाइए और चिट्ठी खोजवाइए कि कहाँ को चिट्ठी दिया है और क्या क्यों नहीं बना है। अच्छा, तो ये सरकार की गलती है, ये कलेक्टर साहब की गलती है? ये सरकार की गलती है, सरकार देखेगी तब ना। हम तो मान लीजिए जनता क्या देख करके करेंगे, उसको क्या कुछ समझता है? वो ऑफिस में ठहरने देता है, कहता जो होता है सब सही है। चलिए जो ना ऑफिस में कहिएगा वो ऑफिस में जाएंगे, कहता ना जो सरकार के यही सब काम है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे होगा? इधर BDO साहब को या CO साहब भी यहाँ आए थे इंक्वायरी कर करके लिखा करके, और तब जा करके लिए कि ED साहब को, मुखिया कहा ED साहब को देना। अब ED साहब क्या किया, CD साहब को दिया कि PD साहब को दिया, ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा, लेकिन कहाँ बना, नहीं अच्छा, बना। आप आखिरी सवाल आपसे है, आप ये बताइए कि आपको नीतीश कुमार मोदी के ऊपर भरोसा है कि अगर वो देखिए नीतीश को सुने, मेरी बात सुनिए, आपका बात क्या सुनेंगे? नीतीश कुमार जो है से मोदी का पिट्ठू है, नीतीश कुमार मोदी का पिट्ठू है, उसका पिछड़गुआ है। देखिए सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं, रेल को जखनी निजीकरण कर रहा था उस समय नीतीश कुमार कहा हम ऐसा नहीं करने देंगे रेल को, लेकिन उसके रहते हुए निजीकरण हो गया। अब सोचिए हमारा ये बच्चा सब क्या करके खाएगा, पढ़ करके क्या करेगा, आप यही कह दीजिए। नीतीश के बारे में बोलना बेकार है आपको। हम पूछते हैं हरिजन जितना है नीतीश कुमार के अगेंज में, नीतीश कुमार मोदी के साथ है, फिर भी अगेंस्ट नहीं किया नीतीश कुमार और उसको उठा करके फॉरवर्ड को दे दिया, लेकिन इसको इन लोग को नहीं रहने दिया, नहीं धोबी को, नहीं मुसहर को, नहीं डोम को, नहीं चंबार को, सबका उठा करके वहाँ दे दिया। अब तो पिट्ठू है, उस बोलने वाला है, वो कुछ करने वाला थोड़े है, पिछड़ा हुआ है आपको।